हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा भुर्जी रेसिपी। दोस्तों आज हम बनाएंगे अंडे से भुर्जी बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 अंडे लिए हैं और उसके बाद हमने जो लिया है वो है एक मीडियम साइज का प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है, 2 टमाटर इन्हें भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट लिया है, 5 से 7 कलियाँ लहसुन की जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है हमने यहाँ पर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और ये 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया हमने, आधी बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गैस को हमने स्टार्ट कर लिया है और कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है। सबसे पहले इस कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे तेल। देखिए तेल डाल दिया है और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे। 2-3 मिनट तक जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो जाए, तब तक जो अंडे हैं उनको हम फोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इन अंडों को हम फोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 अंडों को हमने फोड़ लिया है और इसका इसके पेस्ट को जो है एक कटोरी के अंदर रख लिया है। ये देखिए बिल्कुल जो है फोड़ कर पेस्ट को बाहर निकाल लिया है और अब जो है तेल गर्म हो चुका है बिल्कुल। अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा। ये देखिए जीरा डाल दिया है। जीरे को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है, इस बात का खास ध्यान रखें जीरा बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये देखिए जीरा ब्राउन हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज डाल दिए हैं और प्याज को बिल्कुल अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे, ब्राउन होने तक पकाना है प्याज को, इस बात का खास ध्यान रखें। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि और भी नरम हो जाए टमाटर। अब डालेंगे हल्दी पाउडर और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी को बिल्कुल अच्छे से पकाना है। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर, लहसुन का पेस्ट, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। ये मसाला जो है वो धीरे धीरे पक रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है, इस बात का खास ध्यान रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला बिल्कुल पककर तैयार है। अब इसके अंदर हम अंडे का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। देखिए अंडे का पेस्ट डाल दिया है और अब चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे इसके अंदर, ताकि अंडा भुर्जी बहुत ही स्वादिष्ट अंडा भुर्जी दोस्तों बनकर तैयार होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही झटपट तरीके से मैं जो आपको अंडा भुर्जी बनाने की विधि बता रहा हूँ। देखिए चम्मच को थोड़ा थोड़ा तेज चलाना है ताकि जो अंडे हैं वो चिपक ना जाए कढ़ाई के, इस बात का ध्यान रखें। तो ये गर्म कढ़ाई के जो पेस्ट है वो चिपक जाता है, इसलिए चम्मच को थोड़ा सा तेज चलाना पड़ेगा शुरू में 2-3 मिनट तक, उसके बाद थोड़ा धीरे चला सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग जो है अंडा भुर्जी बनकर तैयार हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ी बिल्कुल खिली खिली अंडा भुर्जी बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अंडा भुर्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। हमने गैस को बंद कर दिया है और अब इस भुर्जी को जो है अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अंडा भुर्जी को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट अंडा भुर्जी बनी है और अब इसके ऊपर जो है थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हरा धनिया भी हमने डाल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।